हिमाचल प्रदेश के ऊना से कांग्रेस विधायक सतपाल रायचौदा ने कोरोना की आड़ में भेदभाव के तहत कार्यक्रमों पर रोक को बीजेपी द्वारा श्री गुरु नानक देव जी से पंगा लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रावण ने भगवा पहन माता सीता का अपहरण कर भगवे का दुरुपयोग किया था, उसी प्रकार बीजेपी भी भगवे का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस विधायक गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी के जन्म दिवस पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में आए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बढ़ते कोरोना मामलों के कारण सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाए जाने पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते समय बोल रहे थे। ऊना में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी के जन्म दिवस पर गुरुद्वारा साहिब में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस विधायक भी आए थे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नमस्तक हुए। लेकिन गत दिवस ऊना जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आए कांग्रेस विधायक इसी बात पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कोरोना की आड़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार पर भेदभाव के तहत निर्णय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने नगर निगम के चुनाव क्षेत्र और मंत्रियों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाने की बात कहते हुए अन्य लोगों के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे इष्ट भगवान श्री गुरु नानक देव जी से पंगा तक कह डाला। कांग्रेस विधायक सतपाल रायचौदा यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भगवा रंग के दुरुपयोग का आरोप भी जड़ डाला। अपने इस आरोप के पक्ष में उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार सतयुग में रावण ने भगवा का दुरुपयोग कर माता सीता का हरण किया था, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी भगवा का दुरुपयोग कर रही है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार जो है वो पगला गई है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या कार्यक्रम कैसे होंगे और कैसे प्रोग्राम जो है उनको किस तरीके से करना है। कोरोना की आड़ में जिस तरीके से ये खुंदकबाजी निकाल रहे हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अभी आप देखिए कि धर्मशाला में इलेक्शंस हैं, अंब में इलेक्शंस हैं, वहाँ पे रूल कोई और है, मंडी में इनके रूल कोई और है। अगर ऊना की बात आए, निचले हिमाचल की बात आए, तो मुख्यमंत्री रूल कुछ और बना देते हैं। यहाँ पे ऊना साहब में बाबा नानक जी के वंशज, जिनकी ये नगरी बसाई हुई नगरी है, उनके जन्मदिन के ऊपर जिस तरीके से ये भाजपा के लोग धक्काशाही कर रहे हैं कोरोना के नाम पर, और जा तो आओ टोटल बंद कर दीजिए, आप अपने कार्यक्रम भी बंद कीजिए। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम करवा रहे हैं और दूसरों के जो धार्मिक कार्यक्रम है उनके लिए वो प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री भगवान से ज्यादा बड़े हो गए कि जिस तरीके से सतयुग में रावण ने भगवे का भगवा पहनकर माता सीता का हरण किया था, और वो जो हरण किया था और भगवे का जिस तरीके से सतयुग में भी दुरुपयोग हुआ था, उसी तरीके से भाजपा के लोग जो हैं आज भगवे का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में इनको पता चल जाएगा रावण कभी भगवान नहीं बन पाया, तो इनका पूरी तरह विरोध करता हूँ। और खास करके ये जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल को जिस तरीके से लग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, उसका विरोध होगा। कोरोना है, पर कोरोना क्या इलेक्शंस के लिए कोरोना नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की रैलियों में कोरोना नहीं है क्या? अगर मुख्यमंत्री 5,000 की गैदरिंग करते हैं, वहां कोरोना नहीं है क्या? भगवान के द्वार पे कोरोना है, इलेक्शन में कोरोना नहीं है। पीआईटीवी के लिए ऊना से रोहित शर्मा के साथ रिद्धम की रिपोर्ट।